हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम 20 मिनट तक ऐसी क्या चीज़ करेंगे कि हमारा जो मन है वो पढ़ने में लगेगा। मेरी ये वीडियो स्कूल के बच्चे भी देखते हैं, कॉलेज के लोग भी देखते हैं, कॉलेज के विद्यार्थी भी देखते हैं और जो कंपटीशन में है वो भी देखते हैं। तो स्कूल के बच्चों के लिए जो चीज़ इसमें मैं बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मतलब कुछ अलग रिलेट है बाकी जो कंपटीशन और कॉलेज के हैं लोग हैं, क्योंकि स्कूल में छोटे बच्चे भी होते हैं। लेकिन जो वीडियो ये देख रहा है मैं समझ सकता हूँ कि वो कहीं ना कहीं आगे चल के नौकरी, कंपटीशन और अपने जीवन के विकास के लिए ही इन जैसी वीडियो को टच करता है देखने के लिए, तो सभी के लिए है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम कि 20 मिनट में हमें क्या करना है कि हमारा मन जो है वो पढ़ाई में लगे। और ये एक वैदिक ट्रिक है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके की बात बताता है यूट्यूब पे, कोई भी नहीं बताता। सब मतलब एकदम आते हैं और धुआं धुआं ऊपर से दिखा के आपको चले जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको जो भी चीज़ पढ़नी है, जैसे अब ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ भी चीज़ पढ़ने लग जाओगे, मेडिकल साइंस पढ़ने लग जाओगे, इंजीनियरिंग करने लग जाओगे, नहीं ना। आप जिस चीज़ के लिए हो आपको पढ़ना क्या है ये आपको पता है, 100% पता है, लेकिन बस आपका मन नहीं लग रहा है और आप उसमें कोशिश नहीं कर रहे हो। आपको ये भी पता होगा कि मेरा मन नहीं लग रहा लेकिन किसी और का तो लग रहा है, यानी कि पढ़ाई बनी है, किताबें बनी है, एग्जाम निकला है, परीक्षाओं के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, नौकरी के लिए, तो कोई तो पढ़ रहा है, किसी का मन तो लग रहा है, कोई तो टॉप करता है, किसी का नाम आता है लिस्ट में, सिलेक्शन में, है ना। तो कोई तो कर रहा है। आखिर वो जो कोई है वो कैसे कर ले रहा है, कैसे किसी का मन लगता है, कैसे उसको याद याद हो जाती हैं चीज़ें, मैथ, गणित, रीजनिंग, साइंस, मैथ, ये सारी चीज़ें करंट अफेयर उसके दिमाग में कैसे आ जाती हैं, कैसे वो अपना टाइम टू टाइम सब कुछ कर लेता है और अच्छे नंबर भी आ जाते हैं, सिलेक्शन भी होता है, और हमारा मन क्यों नहीं लगता। तो बस अंतर यही है कि हमें जब भी हम पढ़ना शुरू करें, ठीक है, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि हमें पढ़ना कब चाहिए, टाइम क्या है, उसके ऊपर भी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हमें करना क्या है कि जब भी हम पढ़ने जाएँ उससे 20 मिनट पहले, यानी कि जब भी पढ़ने जाएं तो उसी समय से 20 मिनट शुरू करना। सबसे पहले आपके पास एक वॉच होनी चाहिए, घड़ी। अब ये नहीं कि आप महंगी सी घड़ी खरीद लो, कोई भी घड़ी 10, 20, 50, 100 रुपए की आती है घड़ियाँ, आप खरीदो। बिना घड़ी के विद्यार्थी का जीवन अच्छा नहीं होता है। आप कहोगे कि मेरे हाथों में घड़ी नहीं है ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे हाथों में घड़ी है, फिलहाल मैं उसको पहन नहीं रहा हूँ। ये देखो, ये मेरे पास घड़ी है और ये मतलब है सस्ती वस्ती, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो आप भी 10, 20, 50 रुपए की एक घड़ी लो, अगर हाथ वाली मिले तो अच्छा है, नहीं तो छोटी प्लास्टिक वगैरह की आती हैं वो रखो, और जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ रखो। आपने घड़ी रखी, ठीक है, अब जो ट्रिक है वो सुनो। आपने घड़ी रखी, मान लो आप सवेरे 11 बजे पढ़ने बैठे, ठीक है, आपने घड़ी रख दी। अब आपने घर से कुछ दिक्कत सुनी, माँ ने डांटा, पिता ने डांटा, फिर थोड़ा हो गया, फिर सोचा चलो पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा कोई बात नहीं, लेकिन पहले बैठो, ध्यान से बैठो, ठीक है, घड़ी रखो, घड़ी में आप 11 बजे बैठे। अब 11 बजे से लेकर 11:20 तक आपने क्या करना है, घड़ी को देखना है, घड़ी को देखना है, बस सिर्फ घड़ी को ही देखना है और कुछ मत देखना, ना घड़ी के इधर ना घड़ी के उधर, कहीं नहीं देखना, केवल घड़ी को देखना है। अब घड़ी को देखते देखते आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं भी एक लड़का हूँ, मैं भी इसी जीवन का हूँ, तो आएंगी। लेकिन देखना, ठीक 4 से 5 मिनट बाद जब आप केवल घड़ी को देखोगे आपका माइंड जो है ना बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएगा। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां चलेंगी वैसे वैसे आपका दिमाग भी उसी सुई को पकड़ने की कोशिश करेगा, आप सब कुछ भूल जाओगे। एट द टाइम वही एक समय होता है जब आपको कुछ चीज़ सोचनी है जो मैं बताऊंगा। अब आप ये सोचना कि मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं जो चीज़ पढ़ रहा हूँ इसको पढ़ने के बाद मुझे क्या मिलेगा, जो मैं चीज़ पढ़ रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, फिर मुझे अगर वो चीज़ मिलती है तो मेरा क्या होगा, अगर वो चीज़ मुझे नहीं मिलती तो मेरा क्या होगा। ये 5-4 चीज़ें आपको सोचनी है अपने घड़ी को देखते हुए, 2 से 3 मिनट घड़ी को देखना है, उस टाइम कुछ नहीं सोचना। बैठ गए, कुछ बातचीत हुई कि नहीं अब पढ़ना है, आए बैठे, लेकिन मन नहीं लग रहा, आपको पता है कि मैं बैठूंगा मेरा मन नहीं लगेगा, लेकिन ये काम करना, घड़ी रखना, ठीक है। अब घड़ी रख के 3 मिनट तक कुछ नहीं सोचना है, 3 मिनट तक घड़ी की सुइयों को देखना, और फिर एकदम से आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, सब कुछ भूल जाओगे, जो भी दिमाग में चीज़ें आ रही होंगी सब कुछ एकदम साफ। फिर वो जो मिनट सेकंड वाली सुई होती है ना, सिर्फ आपका माइंड ना उसी को पकड़ेगा, और जब उसको पकड़ने लगे एट द टाइम तभी आपने सोचना है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ,
अगर मैं ये पढ़ता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, और जो मिलेगा उससे मेरा क्या क्या लाभ होगा, मेरे जीवन में उसका क्या प्रभाव है, क्या उससे बहुत चीज़ें बड़ी होंगी, क्या छोटी होंगी। अगर वो चीज़ मेरे जीवन में नहीं आई तो मेरे साथ क्या हो सकता है, ठीक है, ये सोचना। और फिर लास्ट में जब 20 मिनट होने को हो, मतलब ये चीज़ सोचते रहना निरंतर, 3-4 मिनट के बाद, 15 मिनट तक आपके पास समय होगा, देखते रहना, सोचते रहना, सांसें लेते रहना, देखते रहना। ये एक टेक्निक है, ये ट्रिक है, कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। लास्ट में जब 20 मिनट होने लगे, 20 मिनट होने लगे, तो 5 मिनट जो लास्ट के होते हैं उसमें आपको क्या सोचना है, उसमें ये सोचना है, इमेजिनेशन करना है, क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग बिल्कुल खाली होगा। आप इमेजिनेशन करना, जो आप बनना चाहते हो, जिस चीज़ के लिए आप पढ़ रहे हो, या जो भी आपने सोचा है, उस चीज़ को सिर्फ इमेजिनेशन करना। मैं रेलवे में टीटी बन रहा हूँ, तो इमेजिनेशन करना कि मैं रेलवे में टीटी हूँ, मैं मॉर्निंग में ड्यूटी पे जाऊंगा, शाम को आऊंगा, मैं ट्रेन के पैसेंजर की टिकट चेक करूंगा, या फिर पुलिस के बारे में सोचो, मैं कांस्टेबल हूँ, मैं सिपाही हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ, या आप एसएससी सीजीएल के लिए सोचो, एमटीएस के लिए सोचो, डीआरडीओ के लिए सोचो, जो भी आप बनना चाहते हो, एग्जैक्टली वही पॉइंट सोचना उस 5 मिनट, और फिर चीज़ों को साइड करना, घड़ी सामने रखना, और फिर घड़ी को रख के अपनी पढ़ाई शुरू करना, ठीक है। तो ये थी ट्रिक, बहुत धांसू ट्रिक है, इसको आप ट्रिक समझ लो। दरअसल ये एक वैदिक मेथड है, ठीक है, वेदों में, और जो पुराने लोग थे वो इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करते थे। आजकल मॉडर्न ज़माना आ गया तो एक नया वर्ड है, मोटिवेशन, 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 इसी चीज़ के पीछे लोग भाग रहे हैं, लेकिन जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं उसको कोई उतना पकड़ के नहीं रखता। तो मैं ये बहुत ही, मतलब, समझ के सोच के खुद भी यूज़ करी है, और फिर मैंने सोचा कि नहीं बताना चाहिए, तो मैंने ये चीज़ बताई है। अगर आपका इससे थोड़ा भी लगता है कि लाभ होगा, तो प्लीज़ मेरी सहायता करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपके 2-3 सेकंड हैं कि आप यहाँ पे इस तरफ एक सब्सक्राइब का बटन होता है उसको दबा दीजिए, उसके बाद एक बेल आइकन आता है उसको भी दबा दीजिए, उसके जस्ट बगल में एक शेयर का ऑप्शन होता है, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं और आप उनका विकास चाहते हैं, या फिर आप अपने जानने वालों का विकास चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं, या फिर मेरा विकास चाहते हैं, मेरी मेरे जो दरअसल मुझे अगर आपको जताना है कि नहीं हम भी आपके लिए हैं, जैसे मैं आपके लिए हूँ, वैसे अगर आप जताना चाहते हैं कि हम भी आपके लिए हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एम करता हूँ वीडियो को 100 लाइक पहुँचाने का, पिछली 4 वीडियो से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन किसी भी वीडियो में आपने 100 लाइक तक नहीं पहुँचाया, थोड़ा बुरा लगता है, इतनी मेहनत करता हूँ, और ये समय अभी लगभग रात के 11-12 बज रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी चीज़ें सोचता हूँ, क्या बताऊँ कि आपका भला हो, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे लिए 100 लाइक नहीं करते यार, 100 लाइक तो बनता है आज, इस पे कर देना, ठीक है, और अपने प्रश्न नीचे डाल देना, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, प्रश्नों को मैंने नोट भी किए हैं, और उनके ऊपर, जैसे साइंस के ऊपर पूछा है, मैथ के ऊपर पूछा है, ठीक है, इंग्लिश के ऊपर पूछा है, मैं चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।